गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन पर सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। पंद्रह अगस्त को लेकर लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सीआईएसएफ के जवान एयरपोर्ट पर चप्पे चप्पे पर तैनात। बस्ती में 8.5 लाख कीमत की 62 गुमशुदा मोबाइल बरामद, सर्विलांस सेल की मदद से किया गया बरामद। कानपुर देहात में शराब ठेका मालिक को बदमाशों ने मारी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जौनपुर में दरोगा पर ताजिया फाड़ने का लगा आरोप, मुस्लिम समुदाय में भारी रोष। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं देश और दुनिया की तमाम खास खबरें। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में सेंधमार नकली वोट आई कार्ड बनाने के प्रकरण को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले को देश की गरिमा के साथ ही सुरक्षा के साथ जुड़ा बताया। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने शुक्रवार को नकली वोटर आई कार्ड बनाने के प्रकरण पर एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की वेबसाइट में एक नव युवक के डिजिटल सेंधमारी करके नकली वोटर आईडी कार्ड बनाए जाने की खबर बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि ऐसे घपलों के लिए पूरे राज्य में जांच हो, पता हो तो चले कि कहीं इसे राज्याश्रय तो प्राप्त नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह प्रकरण चुनाव आयोग की सुरक्षा ही नहीं बल्कि गरिमा पर भी सवाल खड़े करता है। लखनऊ में थप्पड़ की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही है। लखनऊ में थप्पड़ गर्ल के हाथों ताबड़तोड़ थप्पड़ खाने वाले कैब ड्राइवर शहादत अली ने कहा कि अगर थप्पड़ गर्ल की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो हाई कोर्ट तक जाएगा, लेकिन थप्पड़ गर्ल को जेल भेज कर रहेगा। शहादत अली कहते हैं कि लड़की ने गलत किया है और उसको सजा मिलनी चाहिए, वहीं उसके साथ समझौता नहीं करेगा। इससे पहले कैब ड्राइवर को पीटने के बाद चर्चा में आई थप्पड़ गर्ल प्रियदर्शनी यादव अब इस मामले में समझौता करना चाहती है। तो थप्पड़ गर्ल का ये वीडियो जब से वायरल हुआ है तब से शहादत अली के साथ पूरा देश है। उसके बाद लगातार इस मामले को लेकर शहादत अली कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और थप्पड़ गर्ल के खिलाफ जब तक गिरफ्तारी उसकी नहीं होती है तब तक वो इसी तरह लड़ते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना की नियंत्रित स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अब शनिवार का लॉकडाउन खत्म कर दिया है। जारी किए गए आदेश के अनुसार अब प्रदेश में सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक की सभी पाबंदियां समाप्त कर दी गई। हालांकि इस दौरान सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। आदेश में कहा गया है कि मास्क पहनना और 2 गज की दूरी का पालन करना पहले ही की तरह ही जरूरी रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक दशा में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराया जाए, कभी भी अनावश्यक भीड़भाड़ ना हो, पुलिस पेट्रोलिंग सतत जारी रहे। मुख्यमंत्री योगी ने टीम 9 के साथ प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। बीती 16 जुलाई को सुमित मिश्रा को अपने ही साले और उसके ड्राइवर द्वारा लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र के गल्ला मंडी के पास से अगवा कर पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में सुमित से के साले और उसके ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन अब एक वीडियो वायरल हो रहा है। घटना वाले दिन सुमित को बेरहमी से पीटने वालों पुलिस वालों ने भी लाठियों से पीटा था, जिसके बाद सुमित की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तो इसमें एक नया एंगल आ गया है जिसमें पुलिस भी शामिल है। इसका वीडियो सामने आया है। उसका मामला ये है कि हम लोग जो है उस दिन ये लेट हो गया था तो जो है घर पे थे। उसके बाद लमसम 2:30 से 3 बजे फ़ोन आया था हमारे पास कि जो है कि पंकज का जो है एक्सीडेंट हो गया है और सुबित का जो है एक्सीडेंट हो गया, तो जो है आप सिविल में चले जाइए, जो है सिविल में वो भर्ती है। उसके बाद जो है इसको वहाँ भर्ती उर्ती करा के जो है हम लोग फिर इधर उधर दौड़ने लगे। दौड़ने के बाद दूसरे दिन पूछा कि कैसे क्या हुआ जो है घटना, उस दिन तो ये होश में नहीं था जो है, तो ये बताने लगा 8 से 10 लोग हमें जो है गल्ला नवीन गल्ला मंडी जो है
गुप्ता ढाबा के पास से अनजान व्यक्ति आके जो है उठा ले गए थे। उसमें जो विवेक है लड़का है वो जो है जौनपुर के शाहगंज में एक ताजिया निर्माता ने दरोगा पर घर में घुसकर ताजिया फाड़ने का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद से मुस्लिम समुदाय काफी भड़क गया है और दरोगा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। मामले की जानकारी होते ही एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। मामला शाहगंज के भादी खास का है, जहाँ ताजिया निर्माता सुब्बन खान ने आरोप लगाया कि कोतवाली पुलिस के एक दरोगा 4-5 सिपाहियों के साथ घर में घुस गए और ताजिया फाड़ दी गई। महेश सिंह क्या है? महेश सिंह एसआई हैं, एसआई हैं। उन्होंने ताजिया फाड़ दिया है और वो ये कह रहे हैं कि हमने नहीं फाड़ा है। हालांकि ताजिया जो बनाएगा वो नहीं फाड़ेगा, ये वो अपनी बात को छिपा रहे हैं इस वक्त, और ये मीडिया पर आ चुकी है बात। लिहाजा हम अभी एसडीएम महोदय से हमारी बात हो गई, हमने लिखित दे दिया है, उनसे रिसीविंग ले लिया है, उनका दस्तखत ले लिया है, उनके सिग्नेचर ले लिए हैं और सारी बातें हो गई हैं। शांत अधिकारी ये कह रहे हैं कि उचित से उचित कार्रवाई जो होगी निलंबित करेंगे। हमारी मांग ये कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उसने हमारी जो धार्मिक आस्थाएं उसको ठेस पहुंचाया है, मुस्लिम समुदाय की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाया है। इस वक्त माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, कोई भी बादरेशन नहीं होना चाहिए, चूंकि इलेक्शन आ रहा है और लोग चाह रहे हैं कि दंगा और फसाद हो, लेकिन हम लोग चूंकि इस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं कि हम लोग झगड़ा और लड़ाई पसंद नहीं। शासन में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा जो है वो थाने के लगभग 100-150 की संख्या में लोग जा रहे हैं। जैसे हम लोग संज्ञान में हैं, हम क्षेत्राधिकारी शाहगंज दोनों थाने के आए और हम लोगों के ये पता चला, लोगों ने बताया कि एक महेश एसआई हैं, उन वो जो ताजिया बनाने वाले थे उनके घर गए और उनके द्वारा ताजिया फाड़ दिया गया। और हम लोगों ने उनसे बात किया तो उनका कहना नहीं था, हमने ताजिया नहीं फाड़ा, हमने जो ताजिया बनाने वाले थे, चूँकि शासन का निर्देश था ताजिया ना बेचा जाएगा ना बनाया जाएगा, तो हम लोगों को दुकान बंद करवा दी थी उनका। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, दरोगा पर जो आरोप लग रहा है ताजिया फाड़ने का, उसको लेकर अभी तक क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि जौनपुर की शाहगंज का थाने का मामला, जो कहीं जिस तरीके से दरोगा पर ताजिया फाड़ने का गंभीर आरोप लगा है, वही सभी विशेष वर्ग के लोगों ने पूरे शाहगंज थाने को घेराव किया था, जहाँ एसडीएम ने पूरे मामले को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। लेकिन जिस तरीके से दरोगा ने ताजिया को फाड़ा है तो कहीं न कहीं अब मामला संगीन है। वहीं आईजी एसपी भगत ने कहा है कि जो भी आरोपी दरोगा उसके खिलाफ जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन जिस दरोगा पे आरोप लगाया जा रहा है और इतनी भारी भीड़ मौके पर मौजूद थी, तो क्या लोगों में अभी भी आक्रोश है इस तमाम बातों को लेकर? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से दरोगा पर ताजिया फाड़ने का आरोप लगने के बाद सैकड़ों लोगों ने पूरे शाहगंज थाने का घेराव किया और आरोप ये था कि जो दरोगा था वो घर में घुसकर ताजिया फाड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं गंभीर है दरोगा पे, इसलिए लोग गुस्साए, लोगों ने शाहगंज थाने का घेराव किया। उसके बाद आनंद फानन ने जौनपुर एसपी अजय कुमार साहनी से भी लोगों ने बात की, उसके बाद एसपी ने लोगों को शांत करने को कहा, उसके बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे, सीओ पहुंचे, उसके बाद मामले को शांत कराया। लेकिन जिस तरीके से दरोगा पे आरोप लगा, जौनपुर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। कानपुर देहात के राजपुर थाना क्षेत्र में शराब ठेके से कैश लेकर जा रहे शराब ठेका मालिक को बदमाशों ने गोली मार दी। गोली मारने के बाद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं हजारों की नकदी और सोने की चेन लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गया। गोली लगने से शैलेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस जुट गई है अपनी कार्रवाई करने में। शराब ठेका मालिक को बदमाशों ने गोली मारी है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और साथ ही जो सामान लूटपाट किया गया है उसको भी बरामद करने के लिए पुलिस अपने स्तर पर हर कवायद कर रही है। मेरे भाई को रद्दान ठेका से ये साफ करा के आ रहे थे, तो फिर ये मोड़ पे सलेमपुर मोड़ पे गोली मार दी।
कानपुर देहात के राजपुर थाना क्षेत्र के डेरा करीम नगर में दो मासूमों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत तालाब में कूदकर मासूमों की तलाश शुरू की। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों मासूमों को तालाब से निकाला गया और उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में तैनात डॉक्टर ने दोनों ही मासूमों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो परिजनों में कोहराम मच गया है। तालाब में डूबने के चलते यह हादसा हुआ। गहराई काफी थी, 12 से 15 फीट की गहराई हो गई नीचे पानी में, और एक नीचे जाने के बाद थोड़ा टच हुआ एक पैर में, एक काफी ऐसा 20-25 कदम की दूरी पे था। आपने अकेले निकाले हैं क्या, और कोई था? नहीं था तो नहीं, दो लोग बाहर थे, हम अकेले ही थे, अंदर गए थे और दूसरे बच्चे थे वो बाहर देखे रहे, वो बाहर खड़े रहे, हमने अकेले ही प्रयास। वही खबरों के बीच रुकेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर फतेहपुर से सामने आ रही है। पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, घटना के बाद इलाके में दहशत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि पेड़ से लटकता मिला है युवक का शव, जिसके बाद इलाके में कोहराम मच गया इस खबर को लेकर। फतेहपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, परिजन पर का रो रो कर बुरा हाल है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। वही अगली बड़ी खबर फिरोजाबाद से, तिलियानी गांव में किसान की गोली मारकर हत्या, मामूली बात में दो पक्षों में हुआ विवाद। मामले की जांच में जुटी पुलिस, दो पक्षों में विवाद हुआ था जिसको लेकर एक किसान को गोली लग गई। हालांकि उसकी गोली लगने से मृत्यु हो गई है। मौके वारदात पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची और मामले को शांत कराया। साथ ही साथ इस गोलीकांड में कौन कौन शामिल है उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। दिलियानी गांव में किसान की गोली मारकर हत्या की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त की गोरखपुर से सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का दो दिवसीय दौरा, गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन पर सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदू सेवा आश्रम में लगाया जनता दरबार, दूर दराज से आए फरियादियों की फरियाद सुनी, उनके निस्तारण का अधिकारियों को दिए निर्देश। तो सीएम योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में है, जहां पर उन्होंने जनता दरबार लगाया दूसरे दिन और लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही साथ अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि तत्काल समस्याओं का निस्तारण किया जाए। तो गोरखपुर के दो दिवसीय दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर के दूसरे दिन के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार हिंदू सेवा आश्रम में लगाया। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग की वेबसाइट की गई है, वेबसाइट हैक कर बनाए फर्जी वोटर कार्ड। चुनाव आयोग ने सरकार से जांच की मांग की है, उच्च स्तरीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग। एसटीएफ को सौंपी गई मामले की जांच। तो सहारनपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसने वेबसाइट हैक की थी। अन्य साथियों की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक की गई है, बड़ी खबर, वेबसाइट हैक कर बनाए फर्जी वोटर कार्ड। वही इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता शिवा जुड़ चुके हैं। शिवा, चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक की गई है, बड़ा मामला है, एक की गिरफ्तारी भी हो गई, क्या कुछ सामने आ पा रहा है अभी? देखिए कीर्ति, सहारनपुर के नुक्कड़ इलाके से एक शख्स गिरफ्तारी की गई है जिसका नाम विपुल सैनी है, और ये बताया जा रहा है कि
चुनाव आयोग की वेबसाइट को हैक करके इसने लोगों के आई कार्ड बनाए थे, और जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल साइबर सेल ने की तो साइबर सेल ने इसकी गिरफ्तारी की, और इसकी गिरफ्तारी के बाद जो बैंक अकाउंट से उसको खंगालने की कोशिश की तो उसमें हैरान कर देने वाली बात ये थी कि मामूली से इंसान के पास 50 लाख से ज्यादा की जो धनराशि है वो उसके बैंक अकाउंट में थी। लिहाजा ये मामला उच्च स्तरीय लगा था, और तभी डीएम सहारनपुर ने इस पूरे मामले की जांच निर्वाचन आयोग को दी कि इस तरीके से वेबसाइट को हैक करके लोगों के फर्जी आई कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गृह विभाग को, यूपी सरकार को एक पत्र लिखा कि मामला बेहद गंभीर है और चुनाव से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय जांच एजेंसी से कराई जाए, और यह कहा जाएगा कि कुछ ही घंटों बाद सरकार ने इसकी जिम्मेदारी यूपीएसटीएफ को सौंप दी है। अब यूपीएसटीएफ इस पूरे मामले की पड़ताल करेगी और ये कोशिश करेगी कि विपुल सैनी को हिरासत में लिया जाए, पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया जाए और उससे पूछताछ की जाए कि किस तरीके से उसने 10,000 फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाए और उसके पास किन लोगों ने पैसे भेजे और क्या मकसद था इन वोटर आईडी कार्ड को बनाने का। क्योंकि कीर्ति आगामी मंशा विपुल सैनी की सिर्फ वोटर आईडी कार्ड बनाने की थी, क्योंकि चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक की गई है, क्या इसके पीछे और भी बड़े हाथों का जुड़े होने का कोई संकेत प्राप्त हो पा रहा है? देखिए बिल्कुल, एक बड़ा गिरोह हो सकता है या इसके पीछे एक अराजक तत्व का गैंग भी लग सकता है कि आने वाले 7-8 महीनों बाद उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि 3 से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में लोगों के फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना करके लोग क्या साबित करना चाहते थे या राजनीतिक किसी दल से जुड़े हुए हैं, ये तमाम चीजें जो है वो जांच का पहलू है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश की उच्च एजेंसी को इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के लगाया गया है, और यूपीएसटीएफ के जो अफसर हैं वो सहारनपुर पुलिस से कोऑर्डिनेट करके कोर्ट के द्वारा विपुल सैनी को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेंगे और विपुल से पूछताछ करेंगे। जो अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में साइबर क्राइम सेल सहारनपुर ने बताया है कि एक जो शख्स है जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है उसके कहने पर इसने आई कार्ड बनाए थे और कहां कहां किस तरीके की डिलीवरी होनी थी इस बात का भी खुलासा करना बाकी है। लेकिन उस मध्य प्रदेश के युवक के साथ साथ और कौन से लोग थे जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में रहकर के इस तरीके का काम कर रहे हैं, ये यूपीएसटीएफ को बहुत बड़ा तलाशना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, और ये कहा जा सकता है कि आज ही से एक टीम सहारनपुर जिले जाएगी यूपीएसटीएफ की और वहां पर इन सब चीजों की पड़ताल करेगी, उन अफसरों से पूछताछ करेगी जिन्होंने विपुल सैनी को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने विपुल सैनी के पास से दस्तावेज बरामद किए थे। तो तमाम इन चीजों पर पहलू पर जांच पड़ताल भी होगी, लेकिन सोमवार को सुबह यूपीएसटीएफ की टीम और सहारनपुर पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन करके कोर्ट के द्वारा विपुल सैनी को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की कोशिश जरूर करेगी। बिल्कुल शिवा, जिस तरह से चुनाव आयोग की वेबसाइट को इतनी आसानी से हैक कर लिया गया है तो बड़ी जिम्मेदारी बनती है अफसरों की भी कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, इसको चुनाव से भी देख के जोड़ा जा रहा है, वोटर आईडी कार्ड और एक युवक के खाते में इतनी बड़ी धनराशि होना, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बड़े गैंग का और बड़े लोगों से इसका जुड़ाव सीधे तौर पर इशारा कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए, बने रहिए हमारे साथ। तो अन्य साथियों की तलाश में एसटीएफ को लगा दिया गया है, अब इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ के हाथों में सौंप दी गई है, जिसके जरिए वो तमाम पहलुओं पर जांच करिए पता लगाएगी कि इस वेबसाइट को क्या मात्र वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए हैक किया गया था, या इसके पीछे कोई और मंशा भी थी, या इनके साथ और कौन कौन से लोग जुड़े हैं, क्या किसी राजनीतिक दल का भी इनके साथ हाथ है। इन तमाम पहलुओं पर एसटीएफ की टीम बड़ी कार्रवाई करेगी। वही अगली बड़ी खबर है, एसीपी गोमती नगर को मिलेगा गृह मंत्री पदक, एक्सलेंस इन इन्वेस्टिगेशन 2021 से सम्मानित श्वेता श्रीवास्तव को किया जाएगा सम्मानित, देश भर से 152 पुलिस कर्मियों को किया गया है चिन्हित, यूपी से 10 पुलिस कर्मी इस पदक के लिए जाएंगे, देश भर से 28 महिला अधिकारी और कर्मचारी है शामिल, 2007 की पीपीएस अधिकारी है श्वेता श्रीवास्तव। तो गृह मंत्री पदक से शिवा एसीपी गोमती नगर को नवाजा जाएगा, साथ ही साथ और भी आईपीएस अफसरों को सम्मानित किया जाएगा। देखिए कीर्ति, एक्सलेंस इन इन्वेस्टिगेशन 2021 का ये अवार्ड है और गृह विभाग से हर बारी इसकी लिस्ट एक जारी होती है, और पूरे देश भर से ये कहा जाएगा 152 पुलिस कर्मी इसमें चिन्हित किए गए हैं, जिसमें मात्र एक लखनऊ से महिला अधिकारी हैं जो एसीपी गोमती नगर श्वेता श्रीवास्तव है, उनको गृह मंत्री पदक एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड में सम्मानित किया जाएगा, और यूपी से ये बताया जा रहा है कि 10 पुलिस कर्मी इस पदक के लिए सम्मानित किए जाएंगे, और जिसमें से देश भर में जो 28 महिला अधिकारी और कर्मचारी शामिल है वो शामिल होंगे। श्वेता श्रीवास्तव ने अपनी सर्विस के कार्यकाल के दौरान दहेज हत्या, पशु तस्करी और ठगी जैसे मामलों में न सिर्फ चार्जशीट दाखिल की थी बल्कि उन आरोपियों को सजा भी दिलाई थी कोर्ट के माध्यम से जिन्होंने इस घटना को या इस अपराध को कारित किया था।
तो ये कहा जाएगा कि एक्सेलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड उन्हीं को दिया जाता है जिनकी अपनी सर्विस में, अपनी रूल बुक में एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है, जो क्राइम के खिलाफ जो एक लड़ाई लड़ते हैं, और इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत ज्यादा जो प्रक्रिया होती है उसको एक शार्प लाइन पे ले जा करके उसकी जो नींव है उसको वहां से खत्म करते हैं और उन अपराधियों को सजा दिलाते हैं। तो हर बार की तरीके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से ये एक लिस्ट जारी की गई है और उसमें श्वेता श्रीवास्तव जो उत्तर प्रदेश की ये कहा जाएगा कि सबसे उच्च पायदान की अधिकारी है, क्योंकि इसमें जो 10 पुलिसकर्मी हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें कुछ सब इंस्पेक्टर हैं, कुछ इंस्पेक्टर्स हैं, और श्वेता श्रीवास्तव मात्र एक डिप्टी एसपी रैंक की अफसर हैं जो लखनऊ से जिनको चिन्हित किया गया, और आने वाले 15 अगस्त को इनको एक्सेलेंस इन इन्वेस्टिगेशन गृह मंत्री पदक के सम्मान से नवाजा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा हमारे साथ। श्वेता श्रीवास्तव को एक्सेलेंस इन्वेस्टिगेशन के लिए सम्मानित किया जाएगा, 152 पुलिसकर्मियों के नाम चिन्हित किए गए हैं, यूपी से 10 पुलिसकर्मी इस पदक से सम्मानित किए जाएंगे। वही अगली बड़ी खबर, अवध बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव, वोटिंग आज 16 अगस्त को होगी मतगणना, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वोटिंग की जाएगी। तो अवध बार एसोसिएशन का शिवाज वार्षिक चुनाव है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? तो अवध बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव है, 16 अगस्त को मतगणना होगी, जिसके चलते तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, वोटिंग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए की जाएगी। शिव, आपको आवाज आ रही है? जी कीर्ति, बिल्कुल, आज कोविड प्रोटोकॉल के तहत वोटिंग कराई जाएगी, क्या कुछ तैयारियां देख पा रहे हैं आप? देखिए कीर्ति, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में अवध बार एसोसिएशन का इस साल चुनाव होने जा रहा है और आज अभी सुबह 10 बजे से ये प्रक्रिया चालू हो गई है कि जो तमाम अधिवक्ता हैं वो अपने मतदान का अपने प्रयोग करेंगे और ये मतदान पूरी तरीके से संपूर्ण किया जाएगा। उसको देखते हुए भारी पुलिस बल न सिर्फ कोर्ट के अंदर बल्कि बाहर भी लगा दिया गया है, पीएसी की अलग अलग कंपनियां तैनात कर दी गई हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई भी जो झड़प है या हिंसा है या किसी भी तरीके का मतभेद अगर होता है तो उसको रिजॉल्व किया जा सके। आज के दिन ये पूरा मतदान होगा और शाम को 5 बजे तक होगा, उसके बाद सोमवार को इसकी मतगणना होगी और जो अलग अलग पद है, चाहे वो अध्यक्ष हो, महामंत्री के हो, उपाध्यक्ष हो, तमाम ऐसे जो पद हैं उनके लिए ये मतदान होना है और फिर से एक अवध बार एसोसिएशन में अध्यक्ष रूप में, महामंत्री के रूप में और उपाध्यक्ष के रूप में कौन कौन जीतता है, कौन कौन विजेता होता है, ये जरूर सोमवार की शाम को पता लगेगा। लेकिन आज का दिन अवध बार एसोसिएशन के लिए बहुत अहम दिन होगा, जहां पर तमाम अधिवक्ता अपने मतदान करेंगे और अपने मतहित का जो प्रयोग है वो लखनऊ हाईकोर्ट बेंच के अंदर किया जाएगा और पूरी तरीके से इसको पूर्ण सफल बनाने के लिए तमाम जो अफसर हैं पुलिस महकमे के और जिला प्रशासन से वो लोग सुबह से ही उस जगह पर मौजूद हैं। तो अवध बार एसोसिएशन का चुनाव होगा, विभिन्न पदों के लिए ये चुनाव कराए जा रहे हैं, मंगल सोमवार को इसकी मतगणना की जाएगी जिसमें गिनती की जाएगी, चुनाव अधिकारी मतगणना कराएंगे और इसमें नियुक्तियां की जाएंगी। बढ़ते अपनी खबरों की ओर, बस्ती पुलिस की सर्विलांस टीम ने 8.5 लाख कीमत की 62 गुमशुदा मोबाइल बरामद की है। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने गुमशुदा मोबाइल मालिकों को अपने कार्यालय पर बुलाकर मोबाइल उनके हाथ में सौंपे। बता दें कि जिले में मोबाइल गुमशुदगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिले के सभी थानों पर मोबाइल चोरी और गुमशुदगी की रिपोर्ट बड़ी संख्या में लोग दर्ज करा रहे थे। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने सर्विलांस सेल को मामले की जांच का निर्देश दिया, जिसके बाद सर्विलांस सेल ने गुमशुदा मोबाइल फोन की एप्लीकेशन पर काम करना शुरू किया। सर्विलांस सेल की टीम ने गुमशुदा मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया, मोबाइल फोन की ईएमआई नंबर को ट्रेस कर गुमशुदा मोबाइल को बरामद किया गया। सर्विलांस की टीम ने, जो जनपद में कई थाना क्षेत्रों से लोग हमें एप्लीकेशन देते रहते हैं कि उनके फोन बाजार जाते हुए, ऑफिस जाते हुए कहीं पर उनकी जेब से गिर गए या उनके घर से चले गए, ऐसे एप्लीकेशनों पर कार्रवाई करते हुए सर्विलांस की टीम ने उनकी मोबाइल लोकेशन ले करके जब भी वो मोर फोन ऑन हुए तो उनको बरामद करके उनके मालिकों तक वापस भिजवाया है। ऐसे 62 मोबाइल फ़ोन आज अपने उनके मालिकों को वापस किए गए हैं। इनकी बाजार में कीमत 8.5 लाख रुपये है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।